सत श्री अकाल जी, मैं प्रदीप धीमान ते तुसी देख रहे हो वॉइस ऑफ पंजाब टीवी। सरकारी पद्धर ते झोने की खरीद 1 अक्तूबर नूं शुरू होण वाली सी, पर कुछ घंटे पहला ही केंद्र सरकार वालों इस नूं 10 दिन अगे पा दिता जांदा है, जिस नूं लैके किसानां दे विच रोस देखण नूं मिल रहा है। हालांकि पूरा झोना हले मंडियां विच नहीं पिया है, पर कई मंडियां दे विच झोना आना शुरू हो गया है, जिस नूं लैके हुण हरियाणा दे किसान आगू गुरनाम सिंह चिड़ूनी वालों भी एक वीडियो जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि जेकर केंद्र सरकार 1 दिन के अंदर अंदर खरीद शुरू नहीं करती है तो बीजेपी अते जेजेपी दे जिन्ने भी आगू अते एमएलए ने उन्होंने घर के बाहर झोने दियां ट्रालियां लिया के खड़िया कर दो, ताकि वह घरों बाहर ना निकल सकन। होर की कहा है गुरनाम सिंह चिड़ूनी ने, आओ तुहानू दिखा दिंदे आ। साथियों, हरियाणा और पंजाब में धान बहुत जल्दी पक जाती है और वैसे भी अब कम टाइम में पकने वाली वैरायटियां आ गई। सरकार 15 जून से कहती है कि धान लगाओ, और अगर 3 महीने की वैरायटी है तो वो 15 सितंबर को पक जाती है। और हमने डिमांड की थी कि 15 सितंबर से अगर आप खरीद नहीं भेजते तो 25 सितंबर से खरीद ज़रूर भेज दीजिए। मंडियों में ढेर लगे पड़े हैं, ऊपर से बारिश हुई, अनाज की तबाही हो गई, देखा नहीं जाता। पड़ा पड़ा अनाज, पका पकाया धान जो है किसान का ख़राब हो गया। निर्दयी सरकार ने कहा कि 1 तारीख से खरीद करेंगे, लेकिन आज ही सूचना मिली है, क्योंकि कल 1 तारीख है, आज ही सूचना मिली है कि एक नया फरमान और आ गया है कि अब 1 तारीख से खरीद नहीं होगी, 11 तारीख से खरीद होगी। और उसके साथ एक फरमान और आ गया है कि 1 एकड़ से 25 क्विंटल धान खरीदी जाएगी, जबकि कई वैरायटियां 30 क्विंटल से भी ज़्यादा निकल जाती हैं, तो बाकी वो कहाँ ले जाएगा पता नहीं। साथियों, ये सरकार उस दौरान कर रही है जब हमारा आंदोलन चल रहा है, और इससे बड़ी क्रूरता क्या होगी कि एक किसान के ऊपर मौसम की मार, इस बार पकी हुई धान खेत में पड़ी खराब होगी, मंडी में आई खराब होगी, तबाही उठ गई फसलों की, और ऊपर से सरकार ये क्रूरता बरत रही है। हम सरकार को साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि कल खरीद शुरू कर ले खट्टर साहब, हमारा खून मत जला, हमारा सत मत देख, कल खरीद शुरू कर ले अच्छा रहेगा। फिर चेतावनी दे रहे हैं, कल खरीद शुरू कर ले वरना परसों तेरे एमएलए, तेरे एमपी, तेरे नेताओं को इस तरीके से घेरेंगे, घर में बंद करेंगे, उनका कुत्ता भी बाहर नहीं निकल पाएगा। किसान साथियों, कल का दिन इंतजार कर लो, अगर कल खरीद नहीं आती है परसों सबके घर घेर लो, भरी हुई ट्रेलियां गिरी किन के मकानों के आगे अड़ा दो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, बीजेपी का और जेजेपी का, इनके घर का कुत्ता भी बाहर नहीं निकल जाना चाहिए, ये हाल इनका कर दो परसों को अगर कल खरीद नहीं आती है। हमारी फिर चेतावनी है सरकार को, खाली नहीं बैठेंगे, हमारे पे उजड़ता किसान नहीं देखा जाता, बर्बाद होता किसान नहीं देखा जाता, बिल्कुल साफ चेतावनी दे रहे हैं कि कल सरकार खरीद शुरू कर ले वरना रिजल्ट बड़ा गंभीर भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। सो केंद्र सरकार नू गुरनाम सिंह चिड़ूनी अते किसानां वल्लों चेतावनी दे दित्ती गई है, अल्टीमेटम दे दित्ता गया है, जे 1 तों 2 दिन दे विच केंद्र सरकार खरीद शुरू करन दे हुकम नहीं दिंदी तां बीजेपी अते जेजेपी एमएलएस दे घरां दे बाहर किसान इकट्ठे होने शुरू हो जाणगे अते घरां दा घिराओ कर देणगे। सो हुण देखणा यह होवेगा कि केंद्र सरकार झोने की खरीद के ऑर्डर कदों जारी करती है, तो जेकर जारी नहीं करती तो किसानों वालों एक्शन नूं होर तिखा किदां कीता जांदा है। सो की कहना चाहोगे तुसीं गुरनाम सिंह चिड़ूनी वालों दिते गए इन्हां बयानों बारे, अपने विचार तुसीं सानूं कमेंटा राही जरूर दसना। देश अते दुनिया नाल जुड़ियां तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहना साडे नाल, ते देखते रहना वॉइस ऑफ पंजाब टीवी।